नमस्कार साथियों, आज छठ मैया की पूजा है और आज हम छठ मैया की पूजा के उपलक्ष्य में मैं द्रौपदी नंदा, मम्मी सब कर सकती है, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हल छठ पूजा की मैं सबसे पहले आप लोगों को सामग्री दिखा देती हूँ, फिर इसके बाद मैं पूरी पूजा भी दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं पूरी तैयारी दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। तो मैं सबसे पहले प्लेट में दिखाऊंगी लाई और खमहेर, और कलश भी तैयार कर लिए हैं। पूजा के काम आती कलर वाली टोकनी, ये कजलैया के काम आती है, और ये छह टोकनी जो रहती हैं हल छठ की पूजा के काम आती हैं, और बड़ी वाली जो टोकनी रहती है तो ये तीजा महालक्ष्मी के काम आती है। अब कलर वाली टोकनी दिखाए थे, इसमें हम कजलैया बोए थे, आज के लिए बचा के रखे थे, और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये सुंदर से लहराते हुए खेत की तरह। अब छह टोकनियों को मैं सजाकर दिखा रही हूँ दोस्तों। इनके लिए छह दोने आते हैं और पत्ते की एक थाली आती है जिसमें हम खाते हैं पूजा करने के बाद। तो इस प्रकार से ये छह टोकनियों को सजा लेते हैं। इसमें कुछ पैसे भी रख देना चाहिए बच्चों को बांटने के लिए। अब ये थाली में रोली, कुमकुम, पान, श्रीफल और ये महुआ की दतून है, लौंग, सुपारी, पसी का चावल, ये गुली है दोस्तों। आज के दिन इसका हुम लगाते हैं और ये गुली का तेल है और ये महुआ है, इसकी हम चाय बना के पीते हैं, और ये फल फूल है पूजा के लिए हमने रखा हुआ है। तो इस प्रकार से पूरी सामग्री दोस्तों, ये श्रृंगार है, हम पूजा के बाद कुछ महिलाओं को बांट देते हैं। श्रृंगार तो थोड़े ज़्यादा रख लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बांटने के काम आ जाते हैं। जितना हम श्रृंगार बांटेंगे उतने ही अपने पति की लंबी आयु होती है। और पूजा करने के लिए एक छोटा सा पटा रख लेना चाहिए भगवान जी की पूजा करने के लिए। और मैं मिट्टी के बर्तन दिखा रही हूँ दोस्तों, खिलौने बच्चे के लिए रख लेना चाहिए, पूजा करने के बाद बांट देना चाहिए। और ये भैंस के गोबर का कंडा है, और ये पत्ती फूल हम सब चढ़ाने के लिए रख लिए हैं। तो इस प्रकार से मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, और मैं इसके बाद फिर पूजा करने की तैयारी भी दिखाने वाली हूँ। अब मैं ये खीर बना के रखी हूँ पसी के चावल का। अब मैं छत में चली गई हूँ दोस्तों, पूजा की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं पूरा डेकोरेशन कर ली हूँ और अब हमारी पूजा यहाँ पर शुरू होती है। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। इस प्रकार से अब हम पूजा शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम दो सुपारी रखेंगे जो माता जी का अस्क मानकर हम पूजा करेंगे। अगर फोटो है तो फोटो की कर सकते हैं, और अगर फोटो नहीं है तो सुपारी से किसी भी भगवान का अस्क मान के पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुद्ध कर लिए सभी चीज़ों को और तिलक वंदन करके हम पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से पूजा करते रहें दोस्तों। पूजा करते समय चुपचाप पूजा ना करें। पूजा करते समय जय माता दी, जय हल छठ माता, जय हल छठ माता, इस प्रकार से अपने मुख से बोलते रहें और पूजा करते रहें। अब हम धीरे धीरे पूरी सामग्रियों को अर्पित कर रहे हैं। फ्लावर और बेल पत्ती, जो भी सामग्री हम चढ़ाने के लिए रखे हैं, सब हम एक के बाद एक चढ़ाते जाएंगे। और जब पूजा हमारी हो जाती है, लास्ट में हमको फल फूल चढ़ाना रहता है, और फल फूल चढ़ाने के बाद हम भगवान जी को पान सुपारी भी खिलाएंगे, और अपने मुख से ये ज़रूर बोलते जाएं दोस्तों कि जय हल छठ मैया, जय हल छठ मैया, हमारे घर की हमेशा रक्षा करना, हमारे पति की लंबी आयु बनी रहे। अब छोटी वाली जो टोकनी में हम गेहूँ बोए थे तो हम पूजा करने के लिए चढ़ा दिए हैं, और बड़ी वाली टोकनी का हम बचा के रखे हैं कि कान्हा जी का हम इसमें दरबार लगाएंगे, गाय को बिठा लेंगे, और इसका भी डेकोरेशन कान्हा वाले वीडियो में आपको इसी चैनल में देखने आगे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम पूजा कर रहे हैं दोस्तों, और मुख से बोलते जा रहे हैं कि जय हल छठी मैया, जय हल छठी मैया।
और श्रृंगार भी चढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसा हलछठी मैया में हम श्रृंगार चढ़ा रहे हैं, और आज की पूजा का महत्व है दोस्तों कि बलदाऊ कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलदाऊ हैं, उनका जन्मदिन मनाया जाता है आज के दिन, इसलिए हलछठी की पूजा की जाती है। जब किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है तो छठी मनाते हैं। आज भी हमारे सभी जगह पूरे देश में यह परंपरा है कि जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो छठी मनाई जाती है, और छठी की रात पूरी जागरण करते हैं लोग और खुश होकर बच्चे के लिए लंबी आयु की कामना करते हैं। इसी प्रकार से हमको भी हमारे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं दोस्तों, तो हमारे लिए तो छोटे ही हैं, तो उनके लिए हमको लंबी आयु की कामना करना चाहिए और अपने पति की भी लंबी आयु की कामना करना चाहिए। अब इस प्रकार से हमारी पूजा समाप्त होती है दोस्तों। लास्ट में हमको होम धूप लगाना चाहिए, और होम धूप के लिए मैं फर्स्ट में दिखाई थी दोस्तों सामग्री के साथ में कि गुली जो लेकर आए हैं हम गुली का ही होम धूप लगाते हैं, क्योंकि इसमें जो सभी पूजा में होम धूप करते हैं वो वाला होम धूप नहीं चलता है, आज की पूजा के लिए गुली से ही होम धूप करते हैं। तो अब हमारी पूजा पूरी समाप्त होती है दोस्तों। पसी के चावल का जो भोग लगाए थे उसको भी होम धूप में लगा दें ताकि हमारी पूजा पूरी तरह से सफल हो जाए। नमस्कार साथियों, आज छठ मैया की पूजा है, और आज हम छठ मैया की पूजा के उपलक्ष्य में सोहर गीत गाने जा रहे हैं। सोहर गीत क्यों गाते हैं दोस्तों? क्योंकि आज के दिन हलधर यानी कि कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलदाऊ का जन्म हुआ था, और आज के दिन उनकी छठी मनाई जाती है, और वे भगवान जी के भाई कहलाते हैं, तो हमारे भी भगवान जी हो। जन्म लिए हैं त्रिपुरारी, जन्म लिए हैं त्रिपुरारी, जगत के मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा, और छोटी सी बेल आइकन रहती उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।